हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरु मां ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरु मां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन कोटि कोटि वंदन। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान की मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमा विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। श्री जी के अभिषेक के उपरांत बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में रंग दिया। इस युग में मुनि परंपरा को हम तक पहुंचाने की मूल कर्ता आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का 68वां समाधि दिवस है। आचार्य विद्यानंद जी मुख से मैंने बहुत उनके संस्मरण सुने और एक संस्मरण सुनाते थे कि जब महाराज श्री दिल्ली आए तो हर जगह खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, लाल किले के सामने, इंडिया गेट के सामने। तो श्रेष्ठियों ने सोचा कि शायद महाराज जी को फोटो खिंचवाने का शौक हो गया, तो महाराज के पास पहुंचे तो महाराज से विनती की कि महाराज साहब ये सब जगह फोटो करवाना अच्छा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए सब जगह खड़े होकर फोटो करवाता हूँ, लाल किला सब जगह, क्योंकि यहाँ तक जैन मुनियों का आवागमन है। जैन मुनि पूरे भारत वर्ष में विचरण कर सकता है, जब राजधानी में विचरण कर सकता है तो सभी जगह विचरण कर सकता है, इस भावना से मैं फोटो खिंचवाता हूँ। वे ही शांति सागर ऐसे थे, उनके लिए स्टेज बनाई गई और वो स्टेज में ना बैठ के सामने चबूतरे में बैठ गए और लोगों ने से कहा अगर किसी को मेरी वाणी सुननी होगी तो ये पंडाल नहीं सुनाएगा,
मैं सुनाऊंगा, ये पंडाल मेरी वाणी ग्रहण नहीं करेगा, सुनने वाले ग्रहण करेंगे। मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज वीआईपी पंडाल, वीआईपी व्यवस्था, एक पंच कल्लाड़क में करोड़ों रुपए ऐसे उड़ाई जाती हैं, मंदिरों को तोड़ करके उनका पुनः निर्माण वास्तु दोष के लिए। अरे हम में जो दोष हो गया उस दोष को निराकरण करें हम, वास्तु दोष तो बाद में हो जाएगा। करोड़ों रुपया जो खर्चा किया जा रहा है, आज पूजने वाले भक्ति करने वाले कम गए, क्योंकि हमारे अभिषेक से महिलाओं को बाहर कर दिया और महिलाएं खत्म। अब अभिषेक कौन करेगा, पुरुष, और महिलाएं कहां जाएंगी, महिलाएं कहीं और चली जाएंगी। आज की व्यवस्था उन आचार्य शांति सागर के सपनों को अधूरा करती है, जो बिना अभिषेक के जिनेन्द्र भगवान की, बिना अभिषेक के पूजन के आहार ग्रहण नहीं, अभिषेक के देखे बिना आहार नहीं ग्रहण करते थे। और एक ही प्रांत में उनका अभिषेक देखो, जहां देख रहे हैं यक्षक्षिणी सहित भगवान को विराजमान करके अभिषेक हुआ करता था। ऐसे आचार्य भगवान शांति सागर, जो जिन्होंने कह दिया किसी श्रावक के कान से सुन लिया कि महाराज जी को दिखना बंद हो गया तो आहार कैसे कर रहे होंगे, ओहो, और उन्होंने उसी दिन समाधि ले ली। 30 दिन तक समाधि चली उनकी। ऐसे आचार भगवान चारित चक्रवर्ती शांति सागर, जिनके पास सिंह बैठता था, जिनके सिरे पूरे शरीर में सर्प लिपट जाता था, कुएं में पानी आ जाता था, ऐसे तपस्वी आज तो हमारे साधु संतों के पास जाओ सिर का दर्द ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास ध्यान तपस्या है ही नहीं। 24 घंटा तीर्थों को बनाना, किस मंदिर को तोड़ना है, किसको बनाना है, किसको इस पंथ में जोड़ना, उस पंथ में जोड़ना। महान भाव, उस महान आचार्य की आज सबको सौगंध है। उस महान आचार्य ने इसके लिए मुनि परंपरा नहीं चलाई थी कि आप लोग व्यापार करो, आप लोग तीर्थ बनाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करो। और उन आचार्य भगवान शांति सागर की इस परंपरा को अक्षुण रखो, हे, इसी भावना के साथ उनके चरणों में इस समाधि दिवस पर बहुत बहुत सिद्धांजलि, सत्सत नमन, सत्सत वंदन। हे गुरुदेव, अपने आशीर्वाद हमें दीजिए, हम भी आपके मार्ग सन्मार्ग में चलकर उत्तम समाधि को प्राप्त बोले। बोलो आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की जय। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की गई। माँ विष्णु जी प्रजापति रक्ष रक्ष मावलितम तिस्तदेव लिखतो अक्षर पंथमी रोगास संति बात पदवदवात तत्तराज भनस्य अंति गण जपाचम तद्भक्ति प्रसादेन सज्जात पंथ सद्गण मुनिवर संत पद। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों की मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। कार्यक्रम में पूजन विधान के मध्य श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में चवर ढुराते हुए भक्ति संगीत भजनों पर नृत्य करते हुए भगवान की खूब भक्ति भाई। महामंत्र के चरणों में जला दी अर्घम नृपामती। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। पर्याय षटकारक रूप से परिणमित होती है, और वह षटकारक रूप से परिणमित होती है, वहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं होता है।
जब आत्मा का चिंतन करता है व्यक्ति, आत्मा के स्वरूप में डूब जाता है, तो वहाँ पर षटकारकों का भी विकल्प नहीं रहता। लेकिन वे षटकारक कैसे हैं, क्या हैं? आचार्य भगवान प्रवचन सार की 16वीं गाथा में कहते हैं कि वह जो षटकारक हैं, जो कारक अर्थात जो कार्य की क्रिया की निष्पत्ति में जो कारण प्रयोजक हो, उसे कारक कहते हैं। तो वे कारक कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यवहार रूप कारक और एक निश्चय रूप कारक। जहाँ निमित्तों की अपेक्षा से कार्य की सिद्धि की जाए तो वहाँ व्यवहार कारक समझना चाहिए, और जहाँ उपादान की अपेक्षा से कार्य की सिद्धि की जाए तो वहाँ निश्चय कारक समझना चाहिए। जैसे कहा है 16वीं गाथा में कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय, ऐसा नहीं कि कोई शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, कोई भी पर्याय हो चाहे जीव की हो चाहे पुद्गल की, सबकी पर्याय षटकारक रूप परिणमित होती हैं। तो कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से कार्य रूप परिणमित हो उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता जिसको प्राप्त हो वह कर्म है। और कहते हैं साधकतम उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। और कहते हैं जो जिसको लिए दिया जाए इसके लिए किया जाए वह करण संपदान है। और अपादान कहते जो ध्रुव वस्तु है, जो ध्रुव वस्तु है वह अपादान है। और कहते हैं जो आधार है वह कहते हैं जिसके आधार से होता है, जिसके निमित्त से होता है वह आधार है। तो कहते हैं कि वह द्रव्य जो है, जैसे अब कहते हैं जैसे घड़ा है, घड़ा है तो घड़ा मिट्टी रूप स्वयं परिणमित हुआ, तो कुमार उसमें निमित्त हो गया, तो कुमार को क्या कह देते हैं, स्वतंत्र रूप से कर्ता कहते हैं। फिर वह घड़ा, घड़ा क्या प्राप्त हुआ, कहते जो कुमार तो कर्ता है और घड़ा जो है वह कार्य है, कर्म है, कार्य माने कर्म है। और जो कहते हैं उसका चक्र हुआ, कीली हुई, ये सब क्या है, करण है। और कहते हैं जिसके लिए किया जाए और जिसको दिया जाए, तो वह घड़ा पानी भरने के लिए किया जाता है, तो पानी भरने वाला वह संपदान है। और कहते अपादान, कहते उसने जो पूर्व पर्याय थी वह व्यय हुई, और घड़ा रूप कर पर्याय उत्पाद हुई, लेकिन मिट्टी तो ज्यों की त्यों रही, ध्रुव वस्तु तो ज्यों की त्यों रही। तो कहते हैं वह अपादान कारण है। लेकिन वह घड़ा पृथ्वी के निमित्त से बना, पृथ्वी के आधार से बना, तो वह पृथ्वी आधार हो गई। तो ये व्यवहार कारक जो जो कारक होते हैं वे भिन्न भिन्न रूप से होते हैं, लेकिन जो निश्चय कारक होते वे एक ही द्रव्य में होते हैं। जैसे मिट्टी है तो वह स्वतंत्र रूप से परिणमित हुई और घड़ा रूप को प्राप्त हुई, तो वह मिट्टी कर्ता हो गई। और मिट्टी घड़ा रूप जो परिणमित हो कार्य हुआ वह कार्य ही कर्म है। तो कहते लेकिन मिट्टी जो है वह उससे घड़े से अभिन्न है, मिट्टी उससे भिन्न नहीं है, मिट्टी से अलग घड़ा नहीं बन सकता है, मिट्टी उससे अभिन्न है। तो कहते वह मिट्टी जो अभिन्न है वह उसका कारण है। और जो कार्य कारण कहते उसमें मिट्टी में स्वयं ही परिणमन होने की ऐसी शक्ति है, सामर्थ है, मिट्टी में घड़े रूप परिणमित होने की सामर्थ है, इसलिए वह करण है। और कहते हैं जो किसके लिए, मिट्टी ने ही तो दिया, घड़ा किसने दिया, कहते मिट्टी के लिए दिया।
मिट्टी ने मिट्टी को दिया, घड़े को दिया, तो कहते हैं वही अपादान कारण है और संपदान कारण है। वो कहते हैं उसकी जो पिंड रूप जो अवस्था थी उसका व्यय हुआ, और घड़े रूप अवस्था जो है वह उसका उत्पाद हुआ, लेकिन मिट्टी तो ज्यों की त्यों बनी रही। और कहते हैं वह आधार, कहते मिट्टी मिट्टी के आधार से घड़े रूप परिणमित हुई और किसी के आधार से नहीं हुई। तो ऐसा प्रवचन सार में कहा है, तो प्रवचन सार में कहा ऐसे ही आत्मा में लगाना, आत्मा ने आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा में से, आत्मा में से जैसे टोकनी में से निकाल निकाल कर उसने घड़ा बनाया, लेकिन मिट्टी तो ज्यों की त्यों रही, द्रव रूप से रही, तो वो द्रव वस्तु तो अपादान है। तो कहते जो अपादान रूप से है वह कहते हैं अपादान है, और आत्मा तो ज्यों का त्यों रहा। क्यों? सम्यक दर्शन रूप मिथ्यात का व्यय हुआ, सम्यक का उत्पाद हुआ, लेकिन आत्मा तो ज्यों का त्यों है, कभी आत्मा में बदलाव तो नहीं आया। तो कहते ऐसे ही, कहते जैसे आत्मा में कभी बदलाव नहीं आता है, कहते ऐसे ही वह अपने ही आधार से जो सम्यक दर्शन हुआ वह आत्मा के ही आधार से हुआ, अन्य के आधार से नहीं हुआ। मात्र ये असद भूत उपचारित व्यवहार नए से ऐसा कहा जाता है कि। दर्शकों आज की इस कड़ी में बस इतना ही, कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए, जय जिनेंद्र।